पिछले 12 सालों से कोई जनगणना हुई नहीं और ट्रिपल टेस्ट लेयर का संधारण नहीं हुआ और आरक्षण आयोग समिति का गठन नहीं हुआ। पूरे हिंदुस्तान की सूची में पिछड़ा वर्ग आता है, बिहार में आके वह दो पार्ट में बढ़ जाता है और आरक्षण का लाभ सिर्फ एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मतलब अति पिछड़ा को दिया जाता है। इंसाफ की उम्मीद न्याय के मंदिर से होती है। आज पटना उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है मैं स्वागत करता हूं। मैंने 11 सितंबर को जब बिहार राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी हुई थी नगर निकाय के चुनाव संबंधित, उस चुनाव में मेयर डिप्टी मेयर सहित तमाम आरक्षण की सूची जारी हुई थी। उस आरक्षण की सूची को देख के मैं काफी आहत हुआ था और मैंने अपने पटना उच्च न्यायालय के जो वरीय अधिवक्ता हैं मंगलम साहब उनके माध्यम से मैंने याचिका दायर की थी। वो याचिका दायर ये की थी जो सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के आलोक पर आधारित याचिका थी कि पिछले 12 सालों से कोई जनगणना हुई नहीं और ट्रिपल टेस्ट लेयर का संधारण नहीं हुआ और आरक्षण आयोग समिति का गठन नहीं हुआ। पिछड़ा वर्ग पूरे हिंदुस्तान की सूची में पिछड़ा वर्ग आता है, बिहार में आके वह दो पार्ट में बढ़ जाता है और आरक्षण का लाभ सिर्फ एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मतलब अति पिछड़ा को दिया जाता है। रेस्ट जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता है। इन तमाम मुद्दों पर हमने अपने अधिवक्ता महोदय के थ्रू पटना उच्च न्यायालय में हमने एक याचिका दायर की थी और उस याचिका पे लगातार बहस हुई और इंसाफ की उम्मीद न्याय के मंदिर से होती है। आज पटना उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है मैं स्वागत करता हूं। ये तमाम लोगों की बिहार वासियों की जीत है, मुजफ्फरपुर के 285,000 मतदाताओं की जीत है कि अब हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि जहां जहां आपने ईबीसी के लिए जो आरक्षण तय किया है या तो आप सामान्य पे चुनाव कराएं या ट्रिपल टेस्ट लेयर का संधारण करें उसके बाद आरक्षण रोस्टर तैयार करें या आरक्षण आयोग समिति का गठन करें उसके बाद आरक्षण रोस्टर को लागू करें तब चुनाव करें। तो यह एक बहुत बड़ी जीत है, मैं समझता हूं मतलब तमाम लोगों की जीत है, दिल के दुआओं की जीत है। मुजफ्फरपुर के 285,000 मतदाता मालिकों की जो दिल की दुआ थी उसकी जीत है और मैं पटना उच्च न्यायालय को सादर प्रणाम करता हूं, अपने अधिवक्ता को सादर प्रणाम करता हूं कि इतनी बड़ी जीत यह हासिल हुई।